शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में राज्यपाल रामनरेश यादव से की मुलाकात। पीएचई मंत्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न। नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर ने आधार कार्ड तैयार करवाने के लिए दी जानकारी। और स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर केंद्रित रेल प्रदर्शनी का हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर स्कूली बच्चों के साथ किया अवलोकन। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंदन ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अशोक ध्यानचंद के माध्यम से प्रेषित शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि भारतीय खेल प्रतिभाओं ने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे खिलाड़ी देश के लिए खेलते हैं, इसलिए उनका आत्मबल ऊंचा होता है। पूरे देश और प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका नेशनल जियोग्राफिक के जुलाई विशेषांक ट्रैवलर इंडिया में भारत के चुनिंदा पर्यटन स्थलों में मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को खास स्थान दिया गया है। यूनेस्को द्वारा पचमढ़ी को जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का उल्लेख करते हुए पत्रिका में कहा गया है कि कभी गोंड राजाओं के राज्य का हिस्सा रही पचमढ़ी मध्य प्रदेश का अनूठा पर्वतीय स्थान है। कोई बिरला ही होगा जो पचमढ़ी के प्रागैतिहासिक शैलचित्रों, किलकिलाते झरनों और तालों से प्रभावित न हो। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने भारत सरकार द्वारा तैयार करवाए जा रहे आधार कार्ड के लिए अपनी जानकारी दर्ज करवाई है। आधार कार्ड बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया का एक दल राहुल गुप्ता के नेतृत्व में आज मंत्री गौर के निवास B674 बंगले पहुंचा। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि इस साल दिसंबर माह तक प्रदेश के सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सिस्टम लागू हो जाएगा। इससे सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के साथ बैंकों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। मंत्री बिसेन आज विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मंदसौर केंद्रीय सहकारी बैंक से नीमच जिले के लिए नवीन केंद्रीय सहकारी बैंक के गठन का प्रस्ताव पुनः बुलाने के लिए निर्देश दिए। छात्राओं के लिए आवागमन सुविधा योजना में 9 महाविद्यालय को 5,43,999 रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना में प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन 5 रुपए की दर से राशि दी जाती है। अध्ययनरत छात्रा का निवास महाविद्यालय की परिधि से 5 किलोमीटर या इससे अधिक दूर होना चाहिए। प्रदेश में इस साल पहले तिमाही में अर्थात अप्रैल से जून 2012 तक पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक विद्युत आपूर्ति की गई है। विद्युत आपूर्ति अधिक होने से संभागीय और जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में पिछले साल से अधिक और ग्रामीण क्षेत्र में औसतन ज्यादा बिजली का प्रदान किया गया है। वर्तमान में सामान्य वर्षा न होने की दशा में विद्युत की मांग और पिछले साल की तुलना में बढ़ी हुई है। इसके फलस्वरूप ताप विद्युत ग्रहों का वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम पुनरीक्षित किया गया है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।